हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये वीकली वीडियो है और इस वीक हम बात करेंगे इग्नू के एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए इसके बारे में, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के अंदर हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है, क्या दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, कैसे एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि हमारा जो जो प्रोग्राम की अवधि थी, जो वैलिडिटी थी एडमिशन की, वो ऑलरेडी दिसंबर में ख़त्म हो गई और दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो क्या हमें री एडमिशन कराना पड़ेगा? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं और निश्चित रूप से आप कमेंट करके वो पूछते रहते हैं। तो उसी कड़ी में हमने ये सोचा कि कोई एक ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें आपके सभी प्रश्नों के समाधान आपको मिल जाएं और किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी एक आर्ट है, क्योंकि जो इग्नू का सिलेबस है काफ़ी लेंदी होता है। और किस तरह से हम स्मार्ट स्टडी करके कम समय में अच्छे नंबर लेके आएँ, इसके बारे में भी हम बात करने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो हमने तीन पार्ट में बांटा है। पहले तो हम इस आपको इग्नू का जो कमिंग एग्ज़ाम है, जो कि शेड्यूल्ड दिसंबर में था लेकिन अब फरवरी में होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अच्छे नंबर एग्ज़ाम में लाए जा सकते हैं, और अगर समय रहा तो हम ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के पहले हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और एग्ज़ाम के बाद क्या अप्रोच होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके जो दूसरे साथी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, क्योंकि हम सबका उत्तरदायित्व तो है एक दूसरे की मदद करना, और इसी प्रेरणा के साथ ये वीडियो आपके बीच लेके आए हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात करें, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये दिसंबर का एग्ज़ाम है ये फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हो चुका है, यानी दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम है अब दिसंबर में नहीं होगा। तो कब होगा ये एग्ज़ाम? तो ये होगा फरवरी के फर्स्ट वीक में, ऐसी संभावना है। हो सकता है आगे भी कुछ फेरबदल हो, कुछ और आगे भी डेट चले जाए, लेकिन अभी हमें ये नहीं मानना है, हमें तो यही मान के चलना है कि अब हमारे एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहे हैं। तो लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की? ये डेट भी अब बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। किन लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, जिन्होंने ऑलरेडी भर रखा है क्या उन्हें भी भरना है, ये सब हम बात करेंगे। आप तसल्ली से इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, हम एक एक पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ये नई सीरीज प्रारंभ की है वीकली वीडियो की, और प्रत्येक वीक में संडे के दिन ये वीडियो आपके लिए आएंगे और हम इस पर कवर करेंगे स्पेशली उस समय जो चीज़ें चल रही होंगी। जैसे अभी एग्ज़ाम की एक्टिविटीज चल रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हमारा ये जो वीक है इस पर हम एग्जामिनेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, उनसे संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं। आने वाले समय में जो गतिविधि चलेगी, जो घटनाक्रम चलेगा, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अपकमिंग जो एग्ज़ाम है हमारा, ये फरवरी में शेड्यूल्ड है। उसके पहले हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो क्वेरीज हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मार्च 2020 से, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे। तो चूंकि उस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा था, तो सभी बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। वो प्रथम वर्ष के भी विद्यार्थी थे, द्वितीय वर्ष के भी विद्यार्थी थे, और बाद में फाइनली यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि केवल जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जो जून 2020 का एग्ज़ाम है, जो कि बाद में सितंबर महीने में प्रारंभ हुआ और अक्टूबर के आधे महीने तक चला, जिनके कि अब रिजल्ट भी इग्नू की साइट पर उपलब्ध हैं, आप अपने रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बच्चे थे उनके हाल टिकट जारी नहीं हुए, जो एक साल वाले प्रोग्राम हैं, जैसे BA BCom BSc BA BCom BSc या दूसरे जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं। अब जो ये वाला एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें वो सभी बच्चे जिनके हाल टिकट लास्ट एग्ज़ाम में नहीं आए थे जारी किए जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे हैं, जिसमें कि ये भी है कि क्या हमें दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, या हमें कोई कोर्स एड कराना है तो किस तरह से हम कोर्स एड कराएं,
या फिर हमें अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, तो किस तरह से हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर बदल पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, तो इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। ऑलरेडी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पे जाते हैं, तो सपोज़ आपने 4 पेपर पहले भरे थे, 4 पेपर आपको आए और 8 कराने हैं, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज करना चाहते हैं, तो नया वाला जो एग्जाम सेंटर अभी ऑप्ट करेंगे, तो पुराने जो पेपर हैं वो भी वहीं पे होंगे। बाकी जो आप नए पेपर भरेंगे उसकी फीस आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के संबंध में जो इग्नू का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली बात तो ये कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है 15 दिसंबर तक। असाइनमेंट भी आपको जमा करने होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न होगा कि हमने तो असाइनमेंट पहले जमा कर दिए हैं, क्या हमें दोबारा से जमा करना है? तो बिल्कुल दोबारा से जमा नहीं करना है, एक ही बार असाइनमेंट आपको जमा करना होता है एग्जाम में बैठने के लिए। इनकेस आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तब दोबारा से जमा करना होता है। तो और जो नए सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम देना चाहते हैं आप, जिनका आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसका असाइनमेंट बना करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड इस समय उपलब्ध हैं, यानी कि आप स्टडी सेंटर पर जाके जमा कर सकते हैं या फिर आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी भेज सकते हैं। हर एक रीजनल सेंटर का अपना अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसके लिए आप कंसर्न रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो डेट्स हैं वो बढ़ी है, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जनरल, इनकी भी डेट बढ़ा करके फिलहाल 15 दिसंबर तक कर दी गई है। यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 15 दिसंबर तक है, असाइनमेंट जमा करने की डेट 15 दिसंबर तक है, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, जनरल इत्यादि की भी डेट बढ़ा के 15 दिसंबर तक कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों के जो प्रोग्राम की वैलिडिटी है वो दिसंबर 2020 में समाप्त होने जा रही थी या जा रही है, और वो किसी कारण से लास्ट एग्जाम में नहीं बैठ पाए, उनके जो प्रोग्राम की वैलिडिटी है विश्वविद्यालय ने ऑटोमेटिकली जून 21 तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि उनको रीएडमिशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहल है विश्वविद्यालय की। साथ ही साथ वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने जून 2020 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था लेकिन एग्जाम में किसी कारण से अपीयर नहीं हो पाए, वो मैं फाइनल ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका हॉल टिकट जारी हो गया लेकिन किसी कारण से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए या पार्शियली अपीयर हुए, मतलब 5 पेपर भरे थे, 2 के एग्जाम दिए, 3 के नहीं दिए, तो वो सभी लोगों को मौका मिलेगा इस कमिंग एग्जाम में दोबारा से वो बैठ पाएंगे। जिनका जिन पेपर की उन्होंने परीक्षा नहीं दी है उसके लिए वो दोबारा से बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ नए पेपर एड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो निर्धारित फीस है एग्जामिनेशन की ₹150 पर पेपर या पर कोर्स, उसको भर के वो बाकी पेपर भी दे सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इसमें था जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो लास्ट एग्जाम की तरह कमिंग एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड होंगे, ऐसी संभावना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के पोर्टल पे दी गई है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बात कर ही लिया कि जिनका प्रोग्राम दिसंबर 2020 में पूरा होने जा रहा था उनके लिए एडिशनल जो प्रोग्राम की वैलिडिटी है जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं, ये भी हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि अगर आपने कुछ पेपर दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं तो बाकी बचे हुए पेपर के लिए आपको दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है, वही फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। नए पेपर आप अगर एड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फीस देना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी जो आपने ऑलरेडी दे रखी है इग्नू को, और आप कमिंग एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे जो फरवरी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। जिन बच्चों के हॉल टिकट जारी ही नहीं हुए, जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस जमा कर रखी है, उनको दोबारा से एग्ज़ाम फीस देने की आवश्यकता नहीं है, फरवरी में उनको एग्ज़ाम होंगे। विशेषकर जो हमारे BA जी, BCOM जी और BSc जी के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने जा रहा था जून 2020 में और अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम हो नहीं पाए, तो अब वो एग्ज़ाम फरवरी में शेड्यूल्ड हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इसका प्रोविज़न इग्नू की वेबसाइट पे है, आप इसके लिए नया एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं। और आप जहाँ पे कुछ अपने नए पेपर देना चाहते हैं, पुराने जो आपके पेपर भरे हुए हैं ऑटोमेटिकली वो वहीं पे होंगे, यानी कि एक ही हॉल टिकट आपको जारी किया जाएगा। आप जो नए पेपर लेंगे
उनके लिए आपको फीस देना होगा। पुराने पेपर्स की फीस जो आपने ऑलरेडी दे रखी है वो दोबारा आपको नहीं देना होगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूछते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश में है, तो क्या हम इग्नू में हिंदी में प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, केवल लैंग्वेज वाले पेपर छोड़ करके। लैंग्वेज वाले पेपर मतलब जैसे कोई इंग्लिश का पेपर है तो उसका तो इंग्लिश में ही आपको जवाब देना होगा, लेकिन बाकी जो पेपर्स हैं भले आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर आप हिंदी में उत्तर लिखना चाहते हैं तो उत्तर लिख सकते हैं। कई बार जब हॉल टिकट आपका आता है तो ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे पेपर एक ही डेट में और एक ही टाइम पे शेड्यूल्ड हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में यानी कि जब क्लैशिंग की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, आपको उनमें से कोई एक पेपर छोड़ना होगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिर आप नेक्स्ट टाइम उसका एग्जाम दें, जिसकी तैयारी अच्छे से है उस वाले पेपर को कर लें, जो दूसरा है उसको नेक्स्ट टाइम दें। जहाँ तक पेमेंट की बात करें, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन की फ़ीस भरते हैं तो वहाँ पे दो ही पेमेंट दिखते हैं, HDFC और IDBI बैंक। तो देखिए ऐसा नहीं है, HDFC और IDBI बैंक पेमेंट के गेटवे हैं। पेमेंट के गेटवे से क्या मतलब है, ये वो माध्यम है जो आपसे फीस लेकर के इग्नू के अकाउंट तक पहुँचाते हैं, ठीक है। यानी कि HDFC और IDBI दो सेतु हैं जो कि आपसे फीस कलेक्ट करेंगे और इग्नू के अकाउंट में पहुंचाएंगे। आपकी फीस का जो माध्यम है वो कोई भी बैंक हो सकता है, आपके पास SBI का भी ATM हो सकता है, या जो दूसरे बैंक हैं UBI हैं, इलाहाबाद बैंक हैं, ICICI बैंक हैं, एक्सिस बैंक हैं, आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं एग्जामिनेशन की फीस भरने के लिए। ये देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि आपके पास HDFC और IDBI बैंक का ही कार्ड होगा तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक पेमेंट गेटवे हैं जो आपसे पेमेंट लेकर के इग्नू के अकाउंट तक पहुंचाते हैं। इस बारे में बहुत सारे विद्यार्थी बार बार में कमेंट करके पूछते थे कि जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे HDFC और IDBI बैंक दो के ही ऑप्शन आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सभी के मिलेंगे। ये केवल पेमेंट गेटवे हैं जहाँ से गुजर करके आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका जो प्रश्न था, जो समस्या थी, उसका समाधान हो गया होगा। जहाँ तक बात है इग्नू के हॉल टिकट के बारे में, तो सामान्य तौर पे एग्जामिनेशन के 10 दिन, 7 से 10 दिन के पहले ये आ जाते हैं इग्नू की वेबसाइट पे, और वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करना होता है, इनका प्रिंट निकालना होता है, और इसके साथ ही आपको इग्नू का ID कार्ड लेके एग्ज़ाम देने जाना होता है। आगे हम बात करेंगे किस तरह का इग्नू का ID कार्ड होता है। और जहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर की बात है, कई बार आपको पता नहीं होता कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हैं, जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वहाँ एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो इसके लिए ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन का पोर्टल है वहाँ पे लिस्ट दी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर की, वहाँ से आप देख सकते हैं। डेट शीट फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, संभवतः जल्दी ही डेट शीट आ जाएगी तो आप डेट शीट भी देख पाएंगे कि कब कब एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि हम जब पेमेंट कर रहे थे तो हमारे अकाउंट से तो पेमेंट डिटेक्ट हो गया लेकिन कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ, यानी कि इग्नू के पास वो फीस गई या नहीं गई हमें तो पता ही नहीं है। इवन आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो आप एनरोलमेंट नंबर डाल करके देख सकते हैं कि आपका पेपर जो आपने एग्जामिनेशन का पेपर भरा है वो सबमिट हुआ है या नहीं। इनकेस आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपका कोई स्टेटस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रिफंड के लिए एक ये ईमेल आईडी इग्नू के पोर्टल पर मौजूद है, यहाँ पे अपना संपूर्ण डिटेल के साथ संपर्क कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। आगे बात करते हैं हॉल टिकट किस तरह का होता है। ये दिसंबर 2019 के हॉल टिकट का सैंपल है, कुछ इस तरह से आपको हॉल टिकट मिलेगा इग्नू की साइट के माध्यम से। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये बस जस्ट फॉर एक सैंपल के लिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे नए विद्यार्थी होते हैं पहली बार इग्नू के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनकी ये उत्सुकता होती है किस तरह का हॉल टिकट इग्नू जारी करता है। अब जो हॉल टिकट आते हैं वहाँ यहाँ उनमें यहाँ पे फोटो और नीचे सिग्नेचर भी आने लगे हैं, यानी कि जो लोग ऑनलाइन अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो एडमिशन के समय चूँकि फ़ोटो और सिग्नेचर देना होता है, तो वही चीज अब आपके हॉल टिकट पे भी दिखती है। तो फ्रेंड ये देख रहे हैं आप इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ऑनलाइन अगर आपने एडमिशन फॉर्म भरा होगा तो ये आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे लेकर के आपको एग्जामिनेशन में जाना होता है, इसके साथ हॉल टिकट भी ले जाना होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के
इग्नू के एग्जाम में जाना होता है। आओ पढ़े लिखे करें जग जीतने की तैयारी, लाखों लोग पढ़ के बढ़ रहे, अब आपकी बारी। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनकी मदद ले करके हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उनको आपको रिवाइज करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स नहीं बनाते, उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि 3 से 5 साल के ओल्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, उस स्थिति में यानी कि जब आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से लगभग 3 से 5 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें और उनको जब आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। और इससे आपको एक ये भी आइडिया लगेगा कि इग्नू के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, कितने नंबर के पेपर आते हैं, शार्ट आंसर लिखने वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर वाले कितने आ रहे हैं। तो एक आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर बन जाएगी किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। असाइनमेंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एग्जामिनेशन में। आपने जो असाइनमेंट बनाए हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा। जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो उसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखें, क्योंकि कई बार वही क्वेश्चन जो असाइनमेंट में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। और ज़्यादा आप अगर अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मतलब आपके पास किसी तरह की बाधा नहीं है। टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से हमें अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम में जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आपको किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हाँ, लेकिन भाव वही निकलने चाहिए जो किताब में बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने शब्दों में कुछ इस तरह से बात कहने लगें कि जो मेन थीम है उससे आप अलग हो जाएँ, ठीक है। इसी तरह से जब आप आंसर लिखते हैं तो प्रयास ये करिए कि जो आप बात कहने जा रहे हैं उसको आप पॉइंट वाइज कहिए, यानी कि पॉइंट्स बना लीजिए और देन फिर एक एक करके उन बातों को बताइए। अगर आपके उत्तर में कहीं पे ऐसी संभावना बनती है कि किसी चीज़ को एग्जामिनेशन के द्वारा समझाया जा सकता है या ग्राफ के द्वारा समझाया जा सकता है तो इस ट्रिक का जरूर प्रयोग करें। फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं इग्नू के एग्ज़ाम के संबंध में। तो कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में, आपने भी देखा होगा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें बहुत अच्छे से आते हैं और फिर हम करते क्या हैं कि बहुत ज़्यादा समय उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में लगा देते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से आ रही है। और कई बार वो 5 ही नंबर का प्रश्न होता है लेकिन हम समय पूरा 1 घंटे का ख़राब कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो एक वर्ल्ड का लिमिटेशन है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। जिस हिसाब से प्रश्नों के अंक हैं उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको 3 नंबर के हिसाब से देना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आंसर आपको 30 नंबर के हिसाब से देना होगा। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अच्छा, कई बार वही जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम एक ही प्रश्न के उत्तर में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं और चूँकि हमें वो प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आता है तो फिर हम जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर देते हैं और जो बाकी प्रश्नों के उत्तर हैं उनके लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर उसी हिसाब से लिखें जिस हिसाब से उनके मार्क्स हैं। और हम प्रयास करें कि जो हमारा शुरू का जो समय है वो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं या वन वर्ड क्वेश्चन हैं उनको कर लें, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं बिल्कुल सॉलिड हैं, आंसर भी सॉलिड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इनको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट में समय ही नहीं मिलता तो फिर हमें बाद में फील होता है कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हम इसको कर ही नहीं पाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले सरल वाले क्वेश्चन को कर लीजिए, कम कम अंक वाले हैं, कम समय भी लगेगा और उनके उत्तर भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो अनुभव रहा है हमारा इस प्रणाली में उसमें ये भी देखने में आया है कि हम प्रश्नों के जब उत्तर लिखते हैं तो कई बार हम बिल्कुल ऐसी पैराग्राफ भरते रहते हैं, क्या लिख रहे हैं जांचने वाले को कई बार समझ में नहीं आता। तो बेहतर होगा कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम उत्तर लिखते समय बता रहे हैं उनको हम अंडरलाइन करें, यानी जो हेडिंग्स हैं हमारी उनको हम अलग ही दिखाएं
और इसके लिए हम अलग कलर का पेन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने हेडिंग में ब्लैक पेन यूज किया है, तो फिर उसकी जो डिटेल आप लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिख लीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। जांचने जो आपका जब कापियों का जब मूल्यांकन होगा, जो आपकी कापियों को चेक करेंगे, उनको भी लगेगा कि देखो ये बहुत सही ढंग से बात कही गई है, वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी जरूरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम के समय हमें अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना होगा। पढ़ाई पे के साथ साथ हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम के दौरान बीमार हो गए तो पूरी हमारी जो मेहनत है साल भर की वो बेकार हो जाएगी। और स्टडी टाइम पे भी ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग साल भर नहीं पढ़ते लेकिन एग्ज़ाम के समय 12-12 घंटे पढ़ेंगे, और फिर क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी और पूरा साल खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेना है, समय से उठना है। तो ये तो जो बातें थी एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपसे बताई, जो अनुभव रहा मेरा। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है और आप भी कहेंगे कि एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें आ जाती हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीकली वीडियो होगा, उसमें हम बात करेंगे कि परीक्षा के एक दिन पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा, और फिर अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी तो हम आगे जो नेक्स्ट वीक्स हैं उनमें भी अलग अलग तरह के वीडियो लेके आएंगे। तो बस इसी बात के साथ कि हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।